हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने वाले हैं जो सिफिलिस कंप्लेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट सिफिलिनम। आज के वीडियो में हम सिफिलिनम पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सिफिलिनम का कॉमन नेम है सिफिलिटिक डिस्चार्ज। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर स्वेन ने। इसकी फैमिली नेम है अनोजोड। नोजोड फैमिली से ये बिलोंग करता है। सिफिलिनम के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सिफिलिनम ये किंग ऑफ एंटी सिफिलिटिक रेमेडी है इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। ऐसे क्लिनिकल केसेस जहाँ पे हम सिफिलिनम का यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसे एप्सेस के कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अल्कोहलिज्म के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, अस्थमा के कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, बॉयल्स, कॉन्स्टिपेशन, डेंटिशन, डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन। ऐसे कंडीशन में भी हम सिफिलिनम का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे हेडेक के कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, डेल्टॉइड रूमेटिज्म, हार्ट ट्रबल्स, लुकोरिया के कंप्लेंट्स में, न्यूरलजिया के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हम इसे टॉसिस के कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। टॉसिस का मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। ऐसे कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, साइटिका के कंप्लेंट्स में, सिफिलिस के कंप्लेंट्स में। ये तो स्पेशल रेमेडी है सिफिलिस के लिए। सिफिलिस दैट इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनेमा पैलेडियम। इस बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है। तो सिफिलिस के कंप्लेंट्स में हम सिफिलिनम का यूज़ स्पेशली करते हैं। अल्सर के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके स्पीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो सिफिलिनम का मेन एक्शन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे है। बोन, पेरियोस्टिनम, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी इसका स्पीयर ऑफ एक्शन है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो सिफिलिनम के एक्शन से आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिफिलिस देखने के लिए मिलेगा। डिफरेंट ऑर्गेन्स में, नर्वस सिस्टम्स में, ब्रेन पे और हार्ट में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिफिलिस में आप सिफिलिनम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पेशेंट दिखने में कैसा होगा, टेम्परामेंट कौन से कवर करेगा, माइजम्स कौन सा होगा बैकग्राउंड में, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो फिजिकल मेकअप की बात करेंगे। सिफिलिनम के पेशेंट में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरप्शंस देखने मिलेगा, पर्टिकुलरली कॉपर कलर का होगा। कोल्ड के एक्सपोजर से ये ब्लू में कन्वर्ट हो सकता है। टेम्परामेंट की बात करें तो मेलेंकोलिक टेम्परामेंट के होते हैं। हमने टेम्परामेंट को ऑलरेडी डिटेल में डिफरेंट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने टेम्परामेंट को डिटेल में नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मेंशन कर दी है। गो एंड सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट इन डिटेल। सारे ही टेम्परामेंट्स को हमने कवर किया है। माइजम, सो सिफिलिस इज इन द बैकग्राउंड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशंस की, दैट इज गाइडिंग सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो सिफिलिनम के हैं, अगर हिस्ट्री पेशेंट की, फैमिली हिस्ट्री, अगर आपको सिफिलिस मिल रही है तो सबसे पहली रेमेडी सिफिलिनम होती है प्रिस्क्राइब करने में। सिफिलिस की हिस्ट्री आपको अगर पेशेंट में दिख रही है तो आपको सबसे पहले जो रेमेडी है वो सिफिलिनम देनी है। सारे सिम्टम्स वर्स होते हैं नाइट में, दैट इज फ्रॉम सनसेट टू सनराइज में सिम्टम्स वर्स होंगे। बेस्ट रेमेडीज अगर सिफिलिस्टिक अफेक्शन को रिलीव देने में अगर फेल हो जाए तो सिफिलिनम ये चॉइस ऑफ रेमेडी होती है। जब बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडीज फेल हो जाए सिफिलिटिक अफेक्शंस में तो बेस्ट चॉइस ऑफ रेमेडी जो है वो सिफिलिनम होगी। पेशेंट को पेन जो है वो सनसेट टू सनराइज होगा। पेन इंक्रीज होगा और ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। शिफ्टिंग नेचर में पेन होगा। कॉन्स्टेंटली पोजिशन चेंज करता है सिफिलिनम पेशेंट के पेन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो लुकोरिया है ये प्रोफ्यूज होगा और वर्स होता है नाइट के टाइम पे। क्रेविंग होगी पेशेंट को अल्कोहल इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म के अल्कोहल की पेशेंट को क्रेविंग होती है। हेरिडिटरी टेंडेंसी होती है अल्कोहल की पेशेंट में। टॉसिस दैट इज ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड, पैरालिसिस ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ आईज, स्लीपी लुक दिखता है जैसे कि नींद में है, इस तरीके की ड्रूपिंग होती है इनके आईलिड्स पे। नेक्स्ट सिम्टम की अगर हम बात करें तो देर विल बी डीकेड ऑफ टीथ, एजेस ऑफ गम्स, जहाँ पे गम्स के एजेस हैं वहाँ पे डीके आपको दिखेगा टीथ में, यू कैन सी इन द पिक्चर। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होगा फ्रॉम ईयर्स। नेक्स्ट माइंड की बात करें तो सिफिलिनम पेशेंट के का जो माइंड है, देर विल बी लॉस ऑफ मेमोरी। छोटी छोटी सी चीज़ें, प्रेजेंट की चीज़ें ये भूल जाते हैं, इन्हें रिमेंबर करने में प्रॉब्लम होती है। दैट इज पेशेंट किसी का नाम, डेट या पर्सन या प्लेसेस ये लोग रिमेंबर नहीं रख पाते। एरिथमेटिकल कैलकुलेशन इनके लिए डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट के लिए। जो सिफिलिनम के पेशेंट हैं ये मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड रहते हैं, ज़्यादातर इनटॉलरेबल होता है इनमें कोई भी छोटी सी चीज़ भी, मतलब ये रिमेंबर नहीं रख पाते। और इसके साथ देयर विल बी एग्जर्शन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल।
नेक्स्ट आइलमेंट की बात करें तो ऐसे कंडीशंस जहाँ पे सिफिलिनम के कंप्लेंट ज़्यादा वर्ज होंगे, तो स्पेशली सिफिलिस के डिजीज़ के टाइम पे सिफिलिनम के पेशेंट कंप्लेंट्स आपको ज़्यादा वर्ज दिखेंगे, तो देर विल बी चॉइस ऑफ रेमेडी दैट इज सिफिलिनम. नेक्स्ट पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करें तो पर्टिकुलरली हम इसे हेड के कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ हम इसे आइस के कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, माउथ के कंप्लेंट्स में, कॉन्स्टिपेशन के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ हम इसे हार्ट कंप्लेंट्स में, लुकोरिया के कंप्लेंट्स में, और बोन रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स है दैट इज़ रूमेटिज्म रिलेटेड है तो हम सिफिलिनम का यूज़ कर सकते हैं. अगर गाइडिंग इंडिकेशंस के साथ सिम्टम सिमिलैरिटीज़ मिल रही हैं तो यू कैन गिव सिफिलिनम. नेक्स्ट जनरल मोडेलिटीज़ की बात करें तो कंप्लेंट कब वर्ज होगा, तो दैट इज़ एट नाइट फ्रॉम ट्वीलाइट टू डेलाइट, दैट इज सनसेट टू सनराइज एंड एट सी सोर. नेक्स्ट अमेलियोरेशन की बात करें तो बेटर कब लगेगा, एट हाई एल्टीट्यूड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिफिलिनम ड्रग पिक्चर. सिफिलिनम ड्रग पिक्चर को हमने डिटेल में डिस्कस किया. थैंक यू फॉर वॉचिंग.